नमस्कार BSES के प्रिय ग्राहकों, मैं आप लोगों को आज इस ट्यूटोरियल के जरिए समझाऊंगा कि आप BSES की बिल की पेमेंट BSES की एप्लीकेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में पहले BSES की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जो कि प्ले स्टोर से मिलेगी। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। मेरे फ़ोन में पहले से डाउनलोड है, तो इसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये ऐड डाउनलोड करके से ओपन कर देना है। ओपन करके ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आप यहाँ से प्रोसीड करिए। इसके बाद आपको जाना होगा माई अकाउंट में। माई अकाउंट में जाने के लिए आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होता है, जो कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा नीचे न्यू यूज़र पे जाके। न्यू यूज़र पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे CA नंबर और मीटर नंबर डालना पड़ेगा, जिससे आपकी डिटेल खुल के आ जाएगी और आप उससे प्रोसीड करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आपको माई अकाउंट पे जाना है, यहाँ माय अकाउंट पे क्लिक करना होगा। माय अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम डालना पड़ेगा जो आपने बनाया है। मेरा यूज़र नेम बना हुआ है तो मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड अपना डाल दिया, मैं अपना लॉगिन करता हूँ। ये गाइस मेरा लॉगिन हो गया है। मैंने अपने इसमें 4 मीटर ऐड कर रखे हैं, आप इसमें चाहे आपके जितने भी मीटर हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने अपने 4 मीटर ऐड कर रखे हैं। मेरे को अब इसमें से किसी की भी कोई भी पेमेंट करनी हो या फिर कोई भी डिटेल देखनी हो तो मेरे को डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आप करंट बिल देख सकते हैं, लास्ट 5 बिल देख सकते हैं। करंट बिल आपको अगर PDF में चाहिए हो तो PDF में भी देख सकते हैं। अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल, आप अपने कॉन्टैक्ट की डिटेल भी अपडेट कर सकते हैं। बिल ऑन ईमेल, आप अपनी ईमेल आईडी पे अपना बिल भी मंगवा सकते हैं। पे नाउ के थ्रू आप अपना बिल अभी पे कर सकते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर के थ्रू आपके बिल के लिए कोई भी कंप्लेंट हो तो आप उसे भी रजिस्टर करवा सकते हैं। सेल्फ मीटर रीडिंग के लिए मैं आपको आप बाद में समझाऊंगा अगली वीडियो में। अभी आपको मैं पे नाउ से अपने करंट बिल को पे करने के दिखाता हूँ। आप पे नाउ पे क्लिक कीजिए, ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, इसे ओके कीजिए। मेरा बिल इसमें 0 अमाउंट दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी पे कर दिया है कुछ टाइम पहले ही, तो मेरा बिल 0 अमाउंट दिखा रहा है। आपके बिल में यहाँ पे अमाउंट दिखाएगा, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे दिखा रहा है यू हैव ऑलरेडी पेड योर बिल, स्टिल यू वांट टू प्रोसीड फॉर एडवांस पेमेंट, प्लीज़ फिल चेक बॉक्स टू एंटर कंटिन्यू। मेरी पेमेंट ऑलरेडी डन है इसलिए प्रोसीड नहीं ले रहा है। आपके बिल अगर पेमेंट बकाया होगी तो आपको यहाँ पे पेमेंट दिखाएगा जहाँ पे मेरा बिल अमाउंट 0 दिखा रहा है, और उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका बिल पेमेंट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। मैं आपको एडवांस पेमेंट करके दिखाता हूँ, उसका प्रोसीजर भी सेम ही है। आपको चेक हेयर फॉर पार्ट एंड एडवांस पेमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पे मिनिमम पेमेंट डालनी है, जैसे मैं डाल के दिखाता हूँ आपको 500 रुपये। मैं प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। पेमेंट ऑफ ₹500 हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन अपडेट, मेक अनदर पेमेंट पे आप ओके करिएगा। आपको पेमेंट करने के ऑप्शन खुल जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, आप किसी के भी थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड यूज़ करता हूँ तो डेबिट कार्ड पे मैंने क्लिक किया तो इसके बाद इतने सारे बैंक आ गए यहाँ पे। किसी भी बैंक, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो उस बैंक को आप सेलेक्ट करिए और उसके कार्ड की डिटेल आपको डालनी होगी। यहाँ पे आप कार्ड की डिटेल डालिएगा, एक्सपायरीमेंट डेट, ATM पिन, कार्ड होल्डर नेम, यहाँ पे जो करेक्टर दे रखा CWB 32 ये आप डालेंगे और पे क्लिक करेंगे तो आपका बिल पे हो जाएगा।